तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारी बकरियाँ है वो सेल के लिए, और कौन कौन सी नस्ल है, क्या डिटेल है, मैं आपको सारी डिटेल दिखा दूँ। वीडियो के अंदर बने रहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस माल को ख़रीदने में, बकरियों को ख़रीदने में, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिए। मेरे पास ये देखिए देसी बकरी है, और इसके अंदर ये सिरोही आ जाएगी, और फिर गुजरी, आप देख सकते हो ये गुजरी नस्ल की बकरी है जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ऐसी बकरी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको एक एक करके सारी बकरियों दिखा दे रहा हूँ, तो आप देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो स्क्रीनशॉट लेके देखिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसकी डिटेल के लिए, और प्राइस भी रिजनेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं प्राइस होगा। तो इसीलिए आप कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। और ये देखिए हमारी एक गुजरी बकरी है, और इसका ये बच्चा है, देखिए काफ़ी खूबसूरत बच्चा है। और एक और ये गुजरी नस्ल की बकरी है जो फ़िलहाल प्रेग्नेंट है, तो ये देखिए अच्छी फ्रेम की बकरी है, काफ़ी बड़ी। और हमारे मेरे पास एक बकरा भी है, देखिए ये सिरोही नस्ल का बकरा है, ये भी फॉर सेल के लिए है। इसके बाद ये सिरोही नस्ल की बकरी है, इसके नीचे एक फीमेल है, इसके बच्ची है, और ये भी बकरी है बड़ी, इसके नीचे भी एक बच्चा है। ये देखिए ये वो ये वाली बकरी का बच्चा ये है, तो ये भी अराउंड 3 मंथ का बच्चा है। और फिर अगर आपको देसी बकरी चाहिए तो ये देसी बकरी देखिए, ये 3 बच्चों की इसकी कैपेसिटी है, 3 बच्चे देती है। इस बार इसने 2 बच्चे दिए, इसके पहले जो उसने बच्चे दिए थे वो 3 थे, उसके पहले दिए थे तो भी 3 थे। तो इसके 2 बच्चे ये देखिए, एक ये वाला और ये वाला, 2 बच्चे इसके साथ में। बाद में ये देखिए जमुनापारी के अंदर ये है फीमेल, एक बड़ी फीमेल, और ये भी इसका बच्चा देखिए, ये रहा 7 के 7 में बच्चा आएगा। और एक और देसी बकरी है जो अभी फ़िलहाल में थोड़े दिन के अंदर ही इसका बच्चा आ जाएगा, देखिए इसका दूध भी, ये भी देसी बकरी है। ये अभी तो फ़िलहाल बकरियों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही ये बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है, इसीलिए अब ये फिर से दाने पे लगेगी और इनका जो है वेट और बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैसेज करिए या फिर कमेंट के अंदर बताइए। अगर कोई पूरा लॉट ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो उसको जो है पट्टी के हिसाब से भी लगा देंगे। इसके साथ में हमारा जो है पोल्ट्री का भी साथ में है। ये फ़िलहाल देखिए हमारा ये शेड खाली है, इसके अंदर माल थोड़े दिन के अंदर आएगा देसी मुर्गी का, तो अगर वो भी चाहिए तो कांटेक्ट करिए, अंडों के लिए कांटेक्ट करिए। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार में कोई ख़रीदना चाहता है उनको ये वीडियो शेयर करिए।